हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी पनीर। तो चलिए देख लेते हैं इसके बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें और कैसे बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे कुछ मसाले हमने लिया है, ये दो प्याज है, लहसुन है, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और कुछ खड़े गरम मसाला है और तेज पत्ता है। और यहाँ पे हमने लिया है पालक, अच्छा से हमने इसे धो लिया है और ये 200 ग्राम पालक है। तो इसे हमने यहाँ पे धनिया लिया हुआ है और इसे भी अच्छा से हमने धो लिया है। तो चलिए इन सब चीज़ों को कट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम पालक को कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके पत्ते हमने अलग कर लिया है, थोड़ा सा इसमें डंडी दिख रहा है, वो आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हमें कट करना है, हमें ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम थोड़ा सा मोटा सा ही कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे पालक को हमने कट कर लिया है। इसी तरीके से हम धनिया पत्ता जो रखा हुआ है धो करके उसे भी हम कट कर लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं इसे अच्छा से पहले हमने धो लिया है, उसके बाद मैं इसे कट कर ली, आप देख सकते हैं कट कर लिया है हमने। इसी तरीके से प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन सबको हम कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन, अदरक और प्याज, हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा पसंद करते हैं डालें। टमाटर और प्याज ये सब कट किया हुआ चीज़ें हटा लेते हैं। और चलिए पनीर को भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पनीर हम थोड़ा मोटे टुकड़ों में कट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने पनीर भी कट कर लिया। चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है हमने और उसके बाद से इसे हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर ऑयल को गर्म करेंगे। उसके बाद से गर्म होने के बाद हमें खड़े साबुत गरम मसाला और जीरा इसमें डाल के भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम अदरक, लहसुन और डालकर कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से प्याज ऐड कर देंगे, हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा प्याज चलाने के बाद। और आधी मिनट इसे भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पीसेज में टमाटर कट करके रखा हुआ है उसे, इसे भी आधे मिनट के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक, ये भून चुका है आप देख सकते हैं, इतना ही भूनना है हमें। तो ये बारीक कटा हुआ जो हमने पालक रखा है उससे इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसे हम चलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो अब यहाँ पे हम धनिए को ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक हम भुनेंगे। तो 102 मिनट लगेगा इसे भुनने में। तो धनिया और पालक अच्छा से भुन जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो हम कुछ देर और इसे भुनेंगे ताकि ये अच्छा से गल जाए। तो आप देख सकते हैं इसे चलाते हुए हमने बढ़िया से भून लिया है। तो ये बिल्कुल भून चुका है आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हमने निकाल लिया है आप देख सकते हैं। तो इस मिक्सी जार में हम इसे डालकर और इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो वही कढ़ाई फिर हम गैस ऑन करके रख दिए हैं और इसमें फिर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, गर्म कर लिया है ऑयल को और इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट हम ऐड करके भुनेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 मिनट तक हमने अच्छा से इसे भून लिया है। उसके बाद से इसमें हम सूखे मसाले को ऐड करेंगे। यहाँ पे गैस हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है
तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक हमने ऐड किया है और इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे और इसे भूनेंगे। यहाँ पे गैस हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। इसमें हम कम से कम 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर रहे हैं और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। उसके बाद से इसे 2 से 2.5 मिनट पकने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून फेटा हुआ दही और इसे अच्छा से चलाते हुए हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छा से इसमें मिक्स कर लिया है दही को। और यहाँ पे अब हम गैस को मीडियम करके और इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं 4 मिनट बाद। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल वेल सेफरेट हो चुका है इसमें। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पनीर को। आप देख सकते हैं बिल्कुल पक चुका है बढ़िया से। तो अब यहाँ पे हमें पनीर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने आप पनीर ऐड कर दिया है। चलिए इसे चला लेती हूँ। इस तरीके से हम पलट लेंगे सारे पनीर को, इसमें मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये अच्छा से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, ये भुना हुआ है, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। और अच्छा से इसे चला करके हम फिर 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि अच्छा से ये मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं हमने चला लिया है कस्तूरी मेथी और गरम मसाले को, और अब ढक दूंगी इसे और 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो चलिए 2 मिनट बाद इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बन के रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सर्व कर लिया है इसे। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये रेसिपी यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।